शब्द का एक मंत्र बनाएगा पारिवारिक जीवन सुखमय। क्या आप पारिवारिक जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं? क्या घर में हो रही कलह को दूर करना चाहते हैं? क्या घर में शांति चाहते हैं? आज ही कीजिए चमत्कारी उपाय, ठीक 7:08 पर परिवार होगा सुखी, दूर होंगे कष्ट, मिलेगा हर सुख। कीजिए चमत्कारी उपाय IBN 7 पर लाइव, ठीक 7:08 पर। तो हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका स्वागत है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश करेगा, आप उस फोन नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। कुछ भी अपने भविष्य से जुड़ा सवाल आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। साथ ही क्या कहती है आपकी राशि, आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन क्या न करें, इन सबको जानने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। साथ ही ठीक 7:08 और ठीक 7:38 यानी इन दो वक्तों पर हम आपको बताएंगे एक चमत्कारी उपाय जिसका हमारे लाखों दर्शकों को रहता है इंतजार। जानिए क्या है खास ठीक 7:08 पर, लेकिन पहले जान लेते हैं आज की राशियां क्या कहती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। पंडित जी, पंकज जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो आज के दिन आपको मेरा सुझाव यह है, सलाह यह है कि आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना चाहिए। आज के दिन के सब कष्ट को दूर करने के लिए भगवान श्री शिव की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं आज की दिनचर्या में कुछ आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, तो आज की दिनचर्या में क्या नहीं करना है वो ये है कि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी ना होने दें। तो बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखें मेष राशि वाले, ये सलाह है पंडित जी की आपके लिए। तो अब मेष के बाद दूसरा नंबर आता है वृष राशि का। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में नेत्र व उदर विकार की संभावना बहुत कठिन हो सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आज का दिन थोड़ा सामान्य दिन है आपके व्यापार के लिए, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप परिवार के साथ समय दे सके। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मां तुलसी की आराधना करना, तुलसी के पौधे में स्नान ध्यान के बाद उनको जल देना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ आज के दिन धार्मिक कार्य में प्रवृत्ति करें, किसी की निंदा करना आपके हित में नहीं। वैसे आपको बता दें कि पंडित जी जो जो चीजें आपको बताते हैं क्या आप ना करें, वो तो आपको रोज ही करना चाहिए, यानी किसी भी दिन आपको किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में क्या कहना है पंडित जी। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय आपके संबंधों में निकटता का एहसास कराने वाला संबंध है। जो संबंध आपके बहुत प्रिय संबंध थे, वो संबंध जो कुछ समय पहले कटु हो गए थे, इस समय में आपसे और मधुरता बढ़ेगी, निकटता और बढ़ने वाली है। आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम समय है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर से निकलने से पूर्व एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का मुख में रख करके निकलते हैं तो सारे दुर्भाग्य का नाश होगा। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आपको इनकम हो जाए उस काम में लगे। तो आज इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, निवेश बिल्कुल ना करें, यह सलाह आपको पंडित जी दे रहे हैं। तो अब 7:08 पर क्या है चमत्कारी उपाय, क्या है आपके लिए खास, उस पर एक नजर डालते हैं। सात शब्द का एक मंत्र बनाएगा पारिवारिक जीवन सुखमय। क्या आप पारिवारिक जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं? क्या घर में हो रही कलह को दूर करना चाहते हैं? क्या घर में शांति चाहते हैं? आज ही कीजिए चमत्कारी उपाय, ठीक 7:08 पर परिवार होगा सुखी, दूर होंगे कष्ट, मिलेगा हर सुख। कीजिए चमत्कारी उपाय IBN 7 पर लाइव, ठीक 7:08 पर। तो जब पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं तो दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि वो अपने प्रश्न जो हैं पंडित जी के समक्ष रखें और फिर उनका उत्तर उन्हें मिले। भावना हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ रही हैं, कानपुर से हमें फोन कर रही हैं। भावना, जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और क्या है आपका प्रश्न। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार भावना, बताइए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1987 जी, और टाइम है 1:30 AM जी, और प्लेस इलाहाबाद जी। प्रश्न बताइए भावना। गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही है और मेरा केस भी चल रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे इससे सफलता मिलेगी या मुझे किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए?
भावना देखिए, आपकी जन पत्रिका के अनुसार ऐसा हिंट मिलता है कि आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा पितृदोष है, तो सबसे पहले आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ दान कर लेना चाहिए, जिसमें आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी ब्राह्मण को पीली वस्तुओं, पीली पदार्थ का दान कर लेना और त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लेना अपने पिताजी को। अपने घर के जो पुरुष सदस्य प्रमुख है उनको बोलिए कि परिवार की कामना के लिए एक त्रिपिंडी श्राद्ध करा ले। उसके साथ साथ सात रत्ती का गोमेद पहनना आपकी सारी समस्याओं को निजात दिला दे। वीरेंद्र रांची से हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र, जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें और क्या है आपका सवाल पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, बताइए। जी, मेरा एक लड़का है, वो इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में, अभी साल पूरा करेगा मई में। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1988। जी, और समय क्या है? समय है 10:19। सुबह या शाम? रात में 10:19। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में आप? क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? जी जी, जानना क्या चाहते हैं उनके बारे में? जानना चाहते हैं उसका हायर एजुकेशन के लिए उसका क्या करना होगा, और उसको जो है टाइमर हमेशा बहुत रहता है, उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, आपके बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के योग बहुत अच्छे बनते हैं। इस समय जो दशा चल रही है वो पूरी तरीके से उसका साथ दे रही है। इस समय में आपके बच्चे को सिर्फ एक काम करना है कि हनुमत आराधना करे पूरे दिनचर्या में, पूरे दिन भर में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब पंडित जी कर्क राशि वाले जानना चाहते हैं कि क्या उनके लिए आज का दिन लेकर आया है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा अपने परिवार का, लेकिन उस सहयोग में आपके ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग हो सकता है आपकी सफलता में, आज के आपके कार्यकलाप में। आज की दिनचर्या में आपको किसी ब्राह्मण का सम्मान कर लेना चाहिए। यदि आप उसको पीले वस्त्र और अन्न का दान करते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। आज की दिनचर्या में क्या ना करें वो यह है कि जब भी बोले सोच समझ करके नपा तुला बोले। चलिए, अब सिंह राशि के बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय यात्रा से परिपूर्ण समय होने वाला, और इस समय में आपको छोटी छोटी यात्राओं से बहुत बढ़िया आर्थिक लाभ मिलने की स्थिति है। आज के दिनचर्या में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव महिम निस्रोत का पाठ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज के दिनचर्या में आपको परिश्रम से, कठोर परिश्रम से पीछे नहीं हटना। चलिए, कठोर परिश्रम से पीछे नहीं हटना और भगवान शंकर की आराधना आपको करनी है तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उस फोन नंबर पर आप हमें फोन करें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या फिर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। और अब वो घड़ी आ गई है, 7:08 हो चुके हैं, तो पंडित जी क्या है चमत्कारी उपाय? जी पंकज जी, ये बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को कर लेने से आपके परिवार में जिस भी प्रकार के कष्ट है, जो भी दुख है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रयोग को करने के लिए आपको निर्मल मन से, शुद्ध भाव से इस प्रयोग को करना है, और आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने दिनचर्या में अपने परिवार के साथ इस प्रयोग को करें। और ये प्रयोग इतना चमत्कारी प्रयोग है, इतना लाभकारी प्रयोग है, ये विगत कई सौ वर्षों से अनुभूत प्रयोग है। आप इस प्रयोग को करिए और उसके बाद आप चुटकियों में लाभ ले सकते हैं। और आपसे आग्रह करूंगा, फायदा होता है तो और नहीं होता है तो भी आप हमें बताएंगे। हमें निरंतर आपके फोन कॉल्स मिल रहे हैं, आपके ईमेल्स आ रहे हैं, और आप लोगों की बात से, आप लोगों के उत्साहवर्धन से हम उत्साहित हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। आपको इस प्रयोग का फायदा उठाने के लिए करना यह है कि आज की दिनचर्या में भगवान श्री सीताराम का अपने घर में एक चित्र स्थापित कर ले। यदि आपके घर में, मंदिर में स्थापित है तो बहुत अच्छा होता है। आप वहां पे एक दीपक लगा लीजिए और उसके साथ साथ भगवान श्री शिव और विष्णु की भी आराधना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत आनंद आ जाएगा। और वहां पर बैठ करके पूरे परिवार के साथ पीले वस्त्र धारण करके, पीतांबर धारण करके, नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवा भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, यह मंत्र अयोध्या कांड का मंत्र है, रामचरितमानस की चमत्कारिक चौपाई है। इसका जाप आप पूरे परिवार के साथ करें। यदि आप पूरे परिवार के साथ नहीं कर सकते तो घर का कोई भी एक सदस्य, अच्छा होगा कि घर का मुखिया इस मंत्र का जाप करेगा, पूरे परिवार का कल्याण मांग लेंगे। आप ये चौपाइयां आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ रही है, आप फिर से देख लीजिए और इनको लिख लीजिए। ये चौपाइयां आपकी जीवन को बदल देंगी। आपके जीवन में जिस प्रकार के भी कष्ट है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, ये मेरा दावा है। इस चौपाई को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा भाव से करें। बिल्कुल, अयोध्या कांड का श्लोक नंबर 3 ये है, तो अगर आपको दिक्कत हो तो वहां से भी आप ये श्लोक जो है वो याद कर सकते हैं। ललित हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े। ललित, क्या है आपका सवाल और क्या डिटेल्स आपकी है वो भी आप जल्दी से बता दें। हेलो पंडित, जी बताइए।
के साथ करें। यदि आप पूरे परिवार के साथ नहीं कर सकते तो घर का कोई भी एक सदस्य अच्छा होगा कि घर का मुखिया इस मंत्र का जाप करेगा, पूरे परिवार का कल्याण मांग लेंगे। आप एक आप ये चौपाइयां आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ रही हैं, आप फिर से देख लीजिए और इनको लिख लीजिए। ये चौपाइयां आपके जीवन को बदल देंगी, आपके जीवन में जिस प्रकार के भी कष्ट है हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ये मेरा दावा है, इस चौपाई को पूरे मन से पूरी श्रद्धा भाव से करें। बिल्कुल, अयोध्या कांड का श्लोक नंबर 3 ये है, तो अगर आपको दिक्कत हो तो वहां से भी आप ये श्लोक जो है वो याद कर सकते हैं। ललित हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। ललित, क्या है आपका सवाल और क्या डिटेल्स आपकी हैं वो भी आप जल्दी से बता दें। हेलो पंडित जी, बताइए। जी बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम ललित सोनी है, मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1999 जी। मेरा जन्म स्थान कुशानपुर है जी। सर मैं कुछ काम करूँ तो मेरे काम में मन नहीं लग रहा और धंधे में ललित जी, आप मुझे समय बता दीजिए एक बार। मॉर्निंग 10:33 है सर जी। कुछ बिजनेस में काम करूँ तो मन नहीं लग रहा सर जी। ललित जी, आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप भगवान गणेश की आराधना करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि आप करते हैं, अथर्ववेद का हिस्सा है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आप अपनी दिनचर्या में हरे वस्त्रों का प्रयोग करें, अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी गौशाला में दान करें, आपका जीवन बदल जाएगा, व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। संतोष है कोलकाता से। संतोष, जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं संतोष कुमार तिवारी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1971, टाइम है 4:35 PM। और प्रश्न क्या है आपका? कार्य करता हूँ, मेरी पदोन्नति के विषय में मैं जानना चाहता हूँ जी। देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय काफी संघर्षपूर्ण समय चल रहा है। इस समय शनि की दशा चल रही है और शनि की अंतरदशा, शनि तृतीय भाव का स्वामी है जो संघर्ष कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, आपकी पदोन्नति की जो भी बाधा है सब दूर हो जाएगी। अनु है जम्मू से। अनु, क्या है आपका सवाल और क्या है आपकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय, जल्दी से बता दें। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13 जुलाई 1970 जी। जन्म का समय 4:30 जी। उनका काम ठीक नहीं चल रहा, हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। अगर हम देखिए अनु, आपके आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका मेरे समक्ष बनी हुई है, ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन उचित मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण से या गलत अपना कार्यक्षेत्र इख्तियार कर लेने से उनके सामने इस तरीके की बाधा आ रही है। आपके पतिदेव के लिए इस समय भगवान विष्णु की आराधना करना, आज से ही दोनों पति पत्नी जो मैंने अभी अभी प्रयोग बताया कि यूं मान लें कि वो प्रयोग आपके लिए ही था, आज से अगर आप उस प्रयोग को करते हैं तो आने वाले 40 दिन के अंदर आप ही मुझे फोन करके बताएंगी, आपका जीवन सारा कष्ट दूर हो जाएगा जीवन। तो आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित कुछ भी अगर आप जानना चाहें अपने भविष्य के बारे में तो उनसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर ध्यान दीजिए, नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और राशियां बची हैं उनके बारे में बात करेंगे और 7:38 पर क्या है आपके लिए खास ये भी पंडित जी बताएंगे। चमत्कारी उपाय फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। कीजिए एक अचूक उपाय, होगी व्यापार में वृद्धि। क्या आपका व्यापार ठप पड़ा है? क्या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है? क्या आमदनी? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि राशियों के सफर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, उस फोन नंबर पर आप हमें फोन करें, अपने भविष्य से संबंधित कुछ भी प्रश्न आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। कन्या राशि का बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा समय है, बहुत विशेष शुभ समय कहना चाहूंगा। पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहने वाले हैं आप, घर में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन होने की स्थिति दिखाई देती है। इस समय में आपको क्या नहीं करना है उस पर भी बहुत ध्यान देंगे, लेकिन उसके पहले आज के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आज की दिनचर्या में आपको क्रोध ना करना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं राशियों में, तुला राशि की बात करते हैं।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय व्यापार में अच्छा लाभ कमाने का समय, इस समय आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, आपको बकाए धन की प्राप्ति भी हो सकती है, तो इस समय में आपको पूरा पूरा ध्यान अपने व्यापार में लगाना है। इस समय में बेहद थकान भरी यात्राओं को बचाना है, बहुत ज्यादा यात्रा आपका धननाश कराएगी, उसके साथ साथ आपको श्वास की समस्या होगी, ये सारी यात्राएं व्यर्थ की होने वाली, तो इस समय यात्रा बचाना चाहिए। तो चलिए कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। अभिषेक है जम्मू से, हमें फोन कर रहे हैं। अभिषेक जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और क्या है आपका प्रश्न। हाँ पंडित जी प्रणाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7th of November 1979, सुबह 10:17 सुबह के हैं जी। 7th of November 1979 10:17 सुबह के। पंडित जी बहुत परेशान हूँ मैं, एक तो शादी का योग जो है वो बनती है और लास्ट मोमेंट पे नहीं फाइनल होता है, और दूसरा जो है 2 महीने से परेशान हूँ, कोई भी काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्रांसफर वगैरह बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग पे डिप्रेशन सा रहता है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका यूं तो बहुत अच्छी है, इस समय योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे आपका काम बनते बनते रुक जाता है। सबसे पहले आपको पितृदोष की शांति करनी पड़ेगी, आज से ही शुरुआत कर लें और एक पुखराज 5 रत्ती से 7 रत्ती के बीच का पहन लीजिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, सारे कष्ट चुटकियों में दूर हो जाएंगे। विजय है नारनौल हरियाणा से, हमें फोन कर रहे हैं। विजय जी जल्दी से डिटेल्स दें और अपना सवाल भी पूछें। विजय आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी। आप अपना डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय और क्या है आपका सवाल। पंडित जी बारा नमस्कार। नमस्कार, बताइए। ये मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ दें जल्दी से। बच्चे का जन्म लिया 1994। एग्जैक्ट डेट बताइए पूरी, तारीख और महीना बता दें। 25 अक्टूबर। और समय क्या है? 25 अक्टूबर 1994। समय बताइए, समय पैदा होने का समय। समय 12:50। सुबह या शाम? रात को। और क्या है आपका सवाल? ये जी छोड़ो, ऐसे भटकते रहे, वैसे पढ़ाई में ध्यान करें ना, क्या में ध्यान करें ना। जी बिल्कुल, हमने आपका सवाल सुन लिया। देखिए इस समय बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी परिस्थितियां, उसके ग्रह नक्षत्र उसको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जितना ज्यादा दबाव बनाएंगे पढ़ाई से उसकी दूरी बनती जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं प्रयास करना है, मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का दान करें, 8 मंगलवार करिए, बच्चे के निमित्त जरूर भला होगा। नीलम है मुंबई से, नीलम जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें और क्या है आपका प्रश्न। पंडित जी नमस्ते, और मैं आज बहुत धन्य हो गई हूँ, मेरा फोन लगा है। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। मेरे दो बेटे हैं, मैं आई एम अलोन, आई डोंट हैव अ हस्बैंड। मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना है, उसकी जन्म तारीख है 10/6/1985, सुबह 9:18 का जन्म है, उसका कैरियर शादी, उसका काम नहीं हो रहा है, फिल्म लाइन में गया है, डायरेक्शन के काम में गया है। पंडित जी देखिए आपके बच्चे के लिए टेक्निकल कार्य बहुत अच्छा हो सकता है, जिस तरीके से आपने बताया फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, और कर्म भाव में शुक्र की स्थिति उसको इस तरीके की इस तरफ ओरिएंट करती है, तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन उसको एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस समय में आपके बालक को चाहिए कि हम लोगों ने अभी जो चर्चा की थी शनि का प्रयोग बताया था विगत एपिसोड में, शनि के निमित्त कुछ दान कर लेना, काले वस्त्र का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, भगवान बटुक भैरव और शिव जी की आराधना कर लेना, हनुमत आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, इन सारी प्रक्रियाओं से आपके बच्चे के जीवन की राह बहुत आसान हो जाएगी और बहुत अच्छी सफलता उसकी कुंडली में लिखी है। तो चलिए हम तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब तो पंडित जी दे ही रहे हैं, मैं भी अपने भविष्य के बारे में कुछ पंडित जी से जानना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में वो बात मैं इनसे करूंगा, लेकिन जब लौटेंगे तो 7:38 क्या है चमत्कारी उपाय ये भी पंडित जी से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आपका हिम्मत चाहिएगा। कीजिए एक अचूक उपाय, होगी व्यापार में वृद्धि। क्या आपका व्यापार ठप पड़ा है? क्या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है? क्या आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही? फिर तो आज ही जानिए चमत्कारी उपाय, ठीक 7:38 पर। बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगी आमदनी, होगा फायदा, मिलेगा धन। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव, ठीक 7:38 पर। हर तरफ सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी कुंडली भी ठीक है, योग भी ठीक है,
सब कुछ आपके ग्रह नक्षत्र भी एकदम ठीक तरीके से चल रहे हैं, आखिर फिर क्या है परेशानी? क्यों आपके काम नहीं बिगड़ बन रहे हैं? सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्यों बिगड़ जाते हैं आपके काम? ये हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ राशि फल भी आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी, और साथ ही वो आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन ठीक 7:07 पर। ये आपको शुभ घड़ी जो बता रहे हैं हम, और साथ ही साथ जो दूसरी शुभ घड़ी है वो है 7:38 पर। जानेंगे चमत्कारी उपाय जिसका आप सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार। आज किस पर है चमत्कारी उपाय? सब कुछ ठीक होने के बावजूद जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि आखिर क्यों हो रही है हानि, ग्रह योग सब कुछ ठीक है, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बस 7 मिनटों को और इंतजार कीजिए, 7:07 पर आपको पता चलेगा ये चमत्कारी उपाय। लेकिन आचार्य जी, बात कर लेते हैं राशि फल की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी मेष राशि की कि आखिर मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या है खास। हिमानी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ हो सकता है, आपको कार्यक्षेत्र से जुड़े कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहे थे वह विवाह सूत्र में परिवर्तित होते दिखाई देते हैं, तो ये समय आपके लिए अपने विवाह की बात छेड़ने का है, आपको उसमें लाभ मिल सकता है। उसी के साथ आज क्या करें और क्या ना करें, तो आज के दिन जब भी आप दिन की शुरुआत करें, घर से निकलें, तो मुख में थोड़ी सी मिश्री रख करके निकलें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन बहुत ज्यादा क्रोध ना करें, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, तो आज के दिन क्रोध ना करें। वैसे भी कहते हैं कि गुस्सा सारे काम खराब कर देता है, तो क्रोध करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये तो रही मेष राशि की बात आचार्य जी, लेकिन वृषभ राशि के जातक भी इंतजार कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं आखिर क्या लिखा है उनकी कुंडली में आज, कितना सुख कितना दुख। हिमानी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। इस समय में आपको सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, आप अति उत्तेजना में, अति आत्मविश्वास में, उत्साह में कहीं भरी सभा में, परिवार में कुछ ऐसा बोल सकते हैं या मुख से ऐसा कुछ निकल सकता है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, आपकी सामाजिक स्थिति को, मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकता है। तो जब भी बोले नपातुला बोले, सोच समझ करके बोले, और आज के दिन की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, मुख में पान रख करके निकलना, अर्थात पान ग्रहण करके खा के निकलना आपको लाभ देगा, साथ ही साथ किसी की निंदा से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात हुई वृषभ राशि के जातकों की, आगे हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि के, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि ठीक 7:07 पर आप जानेंगे क्या है वो चमत्कारी उपाय, क्यों आखिर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद ही। इसके अलावा आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जो भी सवाल आप करना चाहते हैं आप सवाल कर सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर। लगातार हमारा जो नंबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए, उसके बाद अपना सवाल रखिए। और आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो आचार्य जी मिथुन राशि का हाल भी बता दीजिए क्या है आज। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी चिंता की स्थिति बन सकती है, इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ अनियमितता की स्थिति रहेगी परिवार में, जिसके कारण पूरा परिवार थोड़ा मानसिक तनाव में हो सकता है। इस समय परिवार का ध्यान रखना, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ आज क्या करें क्या ना करें, तो आज के दिन घर से निकलने से पूर्व एक चुटकी जीरा मुख में रख करके निकले, तो जो भी कष्ट है, जो भी दुर्भाग्य है, वो आपसे दूर रहेगा और अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दे। ये है मिथुन राशि के हाल की, आखिर क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम जानेंगे कर्क राशि का भी हाल की, आखिर कर्क राशि के सितारे कितनी बुलंदियों पर है, लेकिन उससे पहले 7:07 पर क्या है आपके लिए। दर्शक है जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, उन्होंने भी ये देख लिया होगा कि 7:07 में क्या है ऐसा चमत्कारी उपाय जो आचार्य जी हमको बताने वाले हैं, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद भी ग्रह योग ठीक है, कुंडली में आपका कोई ऐसा योग नहीं है कि जो बार बार कोई अड़चन डाल रहा हो, इसके बावजूद आचार्य जी ठीक 7:07 अब हो चुके हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक है उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि काम जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। जी हिमानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है किसी भी जातक के जीवन में। जब सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हो, आपके पास बहुत अच्छा सेटअप है, आपके पास मेहनती लोग हैं, आप स्वयं बहुत मेहनती हैं, उसके बावजूद आपका काम क्यों नहीं बनता? कुंडली के अनुसार, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार समय आपके साथ है और आप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, सारे संसाधन होने के बावजूद भी आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, आपका कार्य सिद्ध नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है? उसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता है कि जब आपने सारी पूजा पाठ कर ली, जितने भी कुंडली के दोष थे आपने उनको दूर कर लिया,
फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने घर का वास्तु अर्थात अपने भवन का वास्तु देख लेना चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र का वास्तु देख लेना चाहिए। यदि कहीं वास्तु दोष हो जाए या परिवार